हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले पिक्चर बनाना सीखते हैं, कि बहुत सारे बच्चों को पिक्चर बनाना नहीं आता है, जिससे कि उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे और ठीक इसके सामने एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह से, उसी साइज का होना चाहिए। फिर कॉर्नर से कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे और ये बन गया आपका क्यूब। ओके, सो क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इस पॉइंट को लेंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, तो इसे हम ए से लिख लेते हैं। ए, ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अब बनाते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना होता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे हमने क्यूब बनाया वैसे ही क्यूबॉइड भी बनेगा। इसके सामने एक और रेक्टेंगल और कॉर्नर से कॉर्नर को ज्वाइंट कर देंगे, ये बन गया आपका क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में सारी साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं, इसे हम एल कहते हैं। ये लेंथ होती है, ये हाइट होती है, ऊंचाई जिसे हम कहते हैं, और ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कह लीजिए या फिर मोटाई कह लीजिए, ये ब्रेथ होती है। तो ये सब अलग होती हैं और क्यूब में ये सब इक्वल होती हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि किसी क्यूब में या क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, कितनी एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं। ओके, सो ये बहुत आसान है। आप देखेंगे कि किसी क्यूब में फेसेस का मतलब होता है कि ये जो सामने से आपको फेस दिख रहा है, ये इस साइड से, ये इस साइड से, ये ऊपर से, ये नीचे से, ये इस साइड से, तो कितने फेसेस होते हैं, तो इन्हें हम काउंट करेंगे। सो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जरा उस रूम को देखिए, उस रूम में कितनी दीवारें हैं। सो अगर ये एक रूम हो, मान लीजिए कि ये वो रूम है जिसमें आप बैठे हैं, तो इसकी कितनी दीवारें हैं, चार दीवारें होती हैं, 1, 2, ये पीछे 3 एंड 4, चार दीवारें हैं। तो चार फेस तो ये हो गए, एक फेस हो गई ऊपर से छत और एक फेस हो गया नीचे से फ्लोर, तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब में। और इसी तरह से क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस यानी कि 6 फेसेस होते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि हमने क्यूब किससे बनाया था, स्क्वायर से बनाया था, तो इसके जो सारे फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, ये भी पूछा जाता है, स्क्वायर फेसेस होते हैं। और हमने रेक्टेंगल से बनाया था क्यूबॉइड, तो जो इसके फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, तो 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में और 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं क्यूब में। अब बात करते हैं एजेस की, तो एज क्या होती है, एज मीन्स ये किनारे। तो आप अपने रूम में काउंट कीजिए, देखिए 4 जो दीवारें होती हैं वो दीवारें नीचे फर्श से जुड़ रही हैं इन जगहों पे, ये देखिए 1, 2, 3 और 4, तो इस तरह से ये 4 एजेस ये हो गई। अब दीवारें भी आपस में मिल रही हैं, तो 1, 2, 3 और 4, 4 एजेस ये हो गई। अब ये दीवारें छत से मिल रही हैं, तो 1, 2, 3 और 4, तो इस तरह से 4 एजेस ये हो गई। तो कुल मिलाकर कितनी एजेस हो गई, 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 12 एजेस। तो एक क्यूब में भी 12 एजेस होती हैं और एक क्यूबॉइड में भी 12 एजेस होती हैं, यानी कि 12 किनारे होते हैं। अब हम काउंट करेंगे कॉर्नर्स की, किसी क्यूब क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो फिर से आप अपने रूम को चारों तरफ से देखिए, और कॉर्नर किसे कहेंगे, ये जो पॉइंट है जहां पर कि ये जो फर्श की जो एजेस हैं ये आपस में मिल रही हैं और दीवार की एज इस पॉइंट पे, तो कितने कॉर्नर हो गए, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर। पहले आप अपने फर्श को देख लीजिए कि फर्श के चारों कोनों में ये 4 कोने होते हैं, तो 1, 2, 3 और ये 4 हो गए 4। और इसी तरह से ऊपर छत में भी 4 कोने होते हैं, तो ये 4 कोने हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, बस इतने ही कोने होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो इस तरह से जो कॉर्नर्स होते हैं वो 8 होते हैं क्यूब में भी एंड क्यूबॉइड में भी।
सो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि कैसे एक क्यूब इजीली आप बना सकते हैं, कैसे क्यूबॉइड बना सकते हैं, और इसमें कितने फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स होते हैं, और इन्हें काउंट करना बहुत आसान होता है. ओके, सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.